आइए दोस्तों फिर गजल के उस रेशमी लहजे की तरफ सफर करते हैं। एक बड़ा ही मोहतरम नाम जो मुसलसल बिहार की पूरे हिंदुस्तान में नुमाइंदगी करते हैं, गुज़िश्ता कई बरस से उर्दू अदब की खिदमत करते आ रहे हैं। मुझे इस वक्त नज़र एटवी साहब के मिसरे याद आते हैं कि उनकी यादों का जश्न जारी है, आज की रात हम पे भारी है। उनकी यादों का जश्न जारी है, आज की रात हम पे भारी है। मुझसे ये कह के सो गया सूरज, अब चरागों की जिम्मेदारी है। दोस्तों इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं जनाब अलाउद्दीन हैदर वारसी साहब, वो आए और अपनी बेहतरीन तख्लीकात से नवाजे। हजरात गिरामी, वाकई आप काबिल मुबारकबाद हैं कि इतना अच्छा मशायरा आप सुन रहे हैं, पूरे इनहमाक से सुन रहे हैं। मैं भी अपनी शिरकत इस मशायरे में कर रहा हूँ। गज़ल के चंद अशआर समाअत कीजिए, ताज़ा तरीन गज़ल है। अगरचे मौका मुझे मिलता रहनुमाई का, अगरचे मौका मुझे मिलता तो रुनुमाई का, जहां मैं बनता सबब आज रहनुमाई का, वाह 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 वाह, जहां मैं बनता सबब आज नुमाई का, सुरूर कैफ का आलम ही देखता कोई, सुरूर कैफ का आलम ही देखता कोई, सुरूर कैफ का। हाँ हजरात शेर सुनिए, सुरूर कैफ कालम ही देखता कोई, दरीचा खुलता अगर तेरी खुशनुमाई का। और ये शेर बतौर खास, कफस की तीलियां अब खोल दीजिए साहब, कहीं न ढूंढ ले वो रास्ता रिहाई का, सजा के रखेगा फिर दिल के आईने को वो, जरा सा रंग चढ़े तेरी आशनाई का, अजीब रंग में बादे बहार आई है, खिला न गुल कोई पल भर भी दिल कुशाई का, मैं रहता हूँ मोहतात हो कर उनके रूबरू, मुझे है खौफ बहुत उनकी जगह साई का। अब मख्ता समाप्त कीजिए, खुली जो आँख तो मौसम मुहीब था हैदर, मैं देखता रहा अंदाज दिल रोहा दिल रोबाई का। शुक्रिया।